पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है, कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अपनी अपनी हुआ भाई जो समझ मांगी वह कह दी उसके मार्ग के अपने चल पड़े, लेकिन कबीर साहब के ज्ञान के सामने ये सही ज्ञान आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कहते हैं तारा मंडल बैठ के यो चांद बड़ाई खावे, जब सूरज काहा सो तारा छिप जावे। रात्रि के समय सितारे चमकते हैं तो उन तारों में चंद्रमा जब आ जाता उसकी शोभा निराली बन जाती है, तारे फीके पड़ जाते हैं। और जब सूर्य का उदय होता है उसमें वो चांद दिखाई भी ना देता, ऐसा ज्ञान है। इन शास्त्रों का ज्ञान चंद्रमा का ज्ञान है और कबीर साहब का ज्ञान ऐसा जैसे सूर्य उदय हो गया, फिर ये शास्त्र आपको इतने फीके लगेंगे। और भाई अंधेरे में चांद की चांदनी बहुत होती है, चंद्रमा की जो चांदनी रात्रि होती है बहुत ही अच्छी होती है, उससे भी काम चलाऊ काफी काम सर जाते हैं, लेकिन दिन के इक्विवेलेंट नहीं हो सकता, दिन के बराबर नहीं हो सकता। अब मैं आपको, क्योंकि इस 6-7 दिन का जो समागम है ये बिल्कुल प्यार से और बिल्कुल न्यारे न्यारे वर्णन देने का होता है, और इसका यही लाभ है कि जो भक्तात्मा जिनके परमात्मा की जिन पर कृपा होगी वो यहाँ सुनने आए हैं, और इन सुनेंगे तो ये बात आपके हृदय में समाओगी। अब मैं विष्णु प्राण सुनाता हूं, पहला अध्याय प्रश्न नंबर 9 से 11 से आभार। मैंने ये इन शास्त्रों से जो मुझे आवश्यक समझा, मैंने जिनकी मुझे आवश्यकता थी, इस विष्णु प्राण से इसमें लिखा है, इसमें यथार्थ भक्ति संदेश द्वितीय भाग में प्रथम अंश पहला अध्याय प्रश्न नंबर 9 से 11 से सहाबार ग्रंथ प्रारंभ। श्री सूत जी बोले, विष्णु प्राण सुना रहा हूं, नित कर्मों से निर्मित हुए मुनिवर पाराशर जी को प्रणाम करके एवं उनके चरण स्पर्श करके मैत्रेय जी ने पूछा, हे गुरुदेव, मैंने वेदांग और धर्म शास्त्रों का आपसे ही कर्म अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूं कि ये जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, ये सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई, ये सुनना जान से। अब इसमें क्या सुनोगे आप कि ये जो शास्त्र बताएंगे ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, रिकंस्ट्रक्शन यानी महाप्रलय करता है ये निरंजन एक, उसके बाद जो स्थिति होती है वहां तक का ज्ञान है, इस निरंजन की भी उत्पत्ति का इसमें ज्ञान ढंग से नहीं है, वो कबीर साहब का शास्त्र आपको बताता है। लेकिन यहां तक तो सुनो, इसमें क्या बताते हैं और आगे भी कल्प के आरंभ में कैसे होगा। एक कल्प बहुत लंबा चौड़ा पीरियड होता है, वो बताएंगे आपको। उसमें कई बार तो ब्रह्मा मर लेता है, कई बार विष्णु मर लेता है, कई बार शंकर खत्म हो लेते हैं, जबकि इनकी आयु बहुत लंबी। जब ये कल्प अंत होता है तो उसमें क्या होता है, एक कल्प अंत होता है, उसमें ब्रह्म लोक को छोड़कर निरंजन के जो निरंजन का लोक एक न्यारा है, उसने अपनी एक राजधानी ब्रह्म लोक न्यारी बना रखी है। उस ब्रह्म लोक के अंदर ये निरंजन
ये ज्योत निरंजन ये काल भगवान तीन रूपों में रहता है, महाविष्णु और महालक्ष्मी, महाब्रह्मा और महासावित्री, और महादेव यानी शंकर और महापार्वती। अपने तीन रूप बनाकर ये उस ब्रह्म लोक में रहता है इसका, और अपना जो असली स्वरूप से इसका वैसी बूंदी सकल काल वो निरंजन लोक है जो 21वें ब्रह्मांड का आखिरी लोक में रहता है। ये ब्रह्म लोक है, इसके नीचे ये अन्य लोक आते हैं। इन लोकों का सर्वनाश हो जाता है महाप्रलय जब निरंजन करता है। एक प्रलय होती है, एक महाप्रलय होती है। प्रलय के अंदर पृथ्वी के ऊपर के जीव नष्ट हो जाएंगे जब तीसरा जब सतयुग शुरू होगा। उससे पहले यहाँ पर कुछ जो भक्ति भाव उसमें उपलब्ध होगी और कलयुग के अंत में जिन मनुष्य दारी श्री दारी व्यक्तियों में बहन भाइयों में वो कुछ बचेंगे, वो ऊंचे पहाड़ों पर होंगे और बाकी यहाँ पर प्रलय हो जाएगी, पानी पानी हो जाएगा और उसके बाद फिर ये दोबारा सृष्टि शुरू होगी। ये तो ही प्रलय, एक महाप्रलय निरंजन करता है, एक महाप्रलय पारब्रह्म करता है। जो महाप्रलय निरंजन करता है वो अपनी करता है। इन ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, शिव का लोक, स्वर्ग, ये सब मृत्यु लोक, ये पृथ्वी लोक, पाताल लोक, इन सब लोकों को खत्म कर देता है, खा जाता है और फिर रिकंस्ट्रक्शन करता है, क्योंकि ये गंदे हो जाते हैं। कलयुग के अंत में पृथ्वी में उपजाऊ तत्व खत्म हो जाएगा, इसमें कोई फलदार वृक्ष नहीं उगेगा। 3 हाथ यानी 4.5 फुट तक नीचे तक उपजाऊ अंश पृथ्वी का नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी लोग खत्म बर्बाद हो जाएंगे, उनमें विकार बढ़ जाएंगे, सभी स्वर्ग में भी इतना गंदापन आ जाएगा। फिर इनको खत्म करके रिकंस्ट्रक्शन करता है अपनी तरफ से, उसको कल्प कहते हैं, कल्प के अंत में करता है। और फिर जब कल्प के बाद जो सृष्टि शुरू हुई उसका ज्ञान है इसमें, ये ध्यान से सुनना इन शास्त्रों में, कल्प के बाद जो सृष्टि शुरू होती है वहां से ज्ञान शुरू है। लेकिन जो हमने आपको ज्ञान बताया पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, कहां से सृष्टि आई, कहां से निरंजन आया, कहां से ये जीव आए और कैसे हुए, कौन परब्रह्म है, ये ज्ञान इनमें नहीं है। इसमें कहा कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, आगे भी दूसरे कल्प के आरंभ में ये देख लो, ये विष्णु पुराण सुना रहा हूं। दूसरे कल्प के आरंभ में यो कल्प नष्ट होगा, जब ये सर्वनाश में आ जाएंगे, ना ब्रह्मा रहे, ना विष्णु, ना शिव रहे, ना इनके लोक, ना स्वर्ग रहे, ना स्वर्ग में रहने वाले चौथी मुक्ति प्राप्त हंस रहेंगे, वो भी फिर जीव सिंघा में आकर अपने नए सिरे से 84 भोगेंगे और फिर अपने कभी मनुष्य शरीर का उनका अवसर आएगा तो अपनी भक्ति बनगी तो ठीक है, नहीं 84 में फिर चले जाएंगे। कैसे कल्प दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, ये संपूर्ण चराचर किस से उत्पन्न हुआ, यह पहले किस में लीन था और आगे किस में लीन हो जाएगा। पृष्ठ 11 से, हे मैत्र, पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त जी ने जो कुछ कहा था वह सब तुम्हारे प्रसन्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रे, ये ऋषि आपस में वार्ता कर रहे हैं, एक मैत्रे हैं और पूछ रहे पाराशर से, यानी ऐसे ऐसे तुम्हारे प्रसन्न से मैं उस महत्वपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूं, तुम उसे भली प्रकार ध्यान दे से सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित है, वे ही इसकी सृष्टि स्थिति और लय के करता है, यही जगत, यह जगत भी वही है। अब ये क्या बताया कि विष्णु में स्थित हुआ, ये विष्णु प्राण है ना, इसमें क्या बताया कि यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ। विष्णु, विष्णु कौन है, ये काल निरंजन भी विष्णु है। जैसे सेंटर में भी होम मिनिस्टर होता है और सकेट में भी होम मिनिस्टर होता है, तो ये विष्णु निरंजन की तरफ इशारा है, इन काल से उत्पन्न हुआ और काल में ही फिर लीन हो जाएगा जब ये महाप्रलय करेगा। श्री पाराशर मुनि बोले, हे ब्रह्मा, विष्णु और शंकर रूप, ब्रह्मा विष्णु और शंकर के शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और सहार के कारण है। ओ विष्णु कौन काल निरंजन, ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से, वो विष्णु, फिर विष्णु कितना आ गया, यानी वो स्टेट का हो होम मिनिस्टर,
सेंटर के होम मिनिस्टर के अंतर्गत आते हैं ये, तो ऐसा बताया कि विष्णु जो है अपना शिव रूप में, विष्णु रूप में और ब्रह्मा रूप में यहां सारी सृष्टि का संचालन, उत्पत्ति और नष्ट करता है, ये काल ही करता है। इसके तीन अपने सबोर्डिनेट्स हैं, ये यहां नीचे के ब्रह्मा और ये छोटे विष्णु और शिव शंकर, ये आपको आगे बताएंगे। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा के तट पर राजा प्रकुत को सुनाया था, वह तथा प्रकुत ने सारस्वत से और सारस्वत से ने मुझे कहा था, जो श्रेष्ठ भी से भी परम श्रेष्ठ अंतरात्मा मस्जिद श्रेष्ठ परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम अक्षय नाश इन विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है, जिसको इतना ही कहते हैं, जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं, उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है, इसलिए विद्वान जिसको वासुदेव वासुदेव कहते हैं, वही नित अजन्मा अक्षय वैक अवैव एक रूप है और हे गुणों के अभाव से कारण निर्मल ब्रह्म है, वही इन सब व्यक्त कार्य और अव्यक्त कारण जगत के रूप तथा उसके साक्षी पुरुष महाकारण काल के रूप से स्थित है। अब देखो इस निरंजन की महिमा गाई गई है विष्णु पुराण में, उसको विष्णु कह करके इसमें कहते हैं कि वही जो है यही साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में स्थित है। महाकारण और काल के रूप में स्थित है, यानी ये विष्णु ही काल है, यही निरंजन है, ये द्विज परब्रह्म का प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप हैं, तथा काल उसका परम रूप है। इन्होंने इसको वैसे ब्रह्म को ही परब्रह्म संज्ञा दे रखी है, यह अज्ञानता है, और इसमें लिखा है कि उसका परम रूप उसका काल उसका परम रूप है, ये विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु उस निरंजन का परम रूप काल है, परम रूप माने श्रेष्ठ रूप, उसका परम रूप काल है, ये विष्णु पुराण सुनाया मैंने आपको, ये विष्णु पुराण मेरे पास रखा है। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये निरंजन को ही, इस काल को ही यहां का भगवान मानते हैं और ये यहां का 21 ब्रह्मांड का मालिक है। इसी के भिन्न भिन्न नाम है ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये ब्रह्म लोक में तीन नामों से वहां पर व्यवस्थित है। उसने अपने तीन पुत्र पैदा किए महाब्रह्मा के रूप में, जब ये रहता है उस माई का जो शेरा वाली है उसका ही रूप बना रखा है महासावित्री, और महाविष्णु और महालक्ष्मी उसी के तीन रूप बना रखे हैं, और शंकर और महापार्वती ये भी उसी के माई के तीन रूप बना करके ये ब्रह्म लोक में राज मौज मार रहा है, लेकिन अपने असली रूप में ये निरंजन लोक में रहता है उस बूंदी शकल में, जो इसका परम रूप काल है, उस रूप में वो वहां रहता है। विष्णु पुराण में सिद्ध में ये करना चाहता था कि इसका परम रूप काल है, ये निरंजन, ये काल निरंजन, ये ब्रह्म, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इसको काल कहते हैं। दूसरा महाभारत में, महाभारत में संक्षिप्त महाभारत के द्वितीय खंड के प्रश्न नंबर 1220 भगवान विष्णु से विश्व की उत्पत्ति तथा ब्रह्म अवतार का वर्णन। राजा युधिष्ठिर ने पूछा कि पितामह कमल नयन भगवान विष्णु अविनाशी समस्त जीवों के उत्पत्ति और प्रलय के स्थान अजय और व्यापक हैं। हे नारायण, हे हर्षिकेश गोविंद और केशव इन नामों से भी विख्यात हैं। मैं उनके स्वरूप का वास्तविक विवेचन सुनना चाहता हूं। विषम जी बोले, राजन युधिष्ठिर विषम जी से पूछ रहे हैं, अपने विषम पितामह से,
तो विषम जी बता रहे हैं कि राजन मैंने ये प्रसंग जगदामन जगदो जमदग जमदगा जमदग्नाग्नि जो महाराज है ना ऋषि जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम जमदग्नि एक ऋषि है उनके पुत्र हुए हैं पारा ये परशुराम कहते हैं कि मैंने ये प्रसंग जमदग्नि नंदन भगवान परशुराम देव ऋषि नारद और व्यास के मुख से सुना है। महर्षि अस्ति देवल वाल्मीकि और मार्कंडेय भी इस अद्भुत रहस्य का वर्णन किया करते हैं। भगवान विष्णु सबके ईश्वर हैं और नित्या हैं। वे पुरुष एवं विराट आदि अनेकों नामों से प्रसिद्ध हैं, सर्वव्यापक हैं। लोक में ब्रह्मवेता पुरुष उन भगवान के जिन चरित्रों का को जानते हैं तथा पुराण वेता जिनका निरूपण करते हैं वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। ये पुरुषोत्तम संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं। उन्होंने अपने संकल्प द्वारा आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन पांचों भूतों की रचना की है। उन सर्वभूतेश्वर भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रचना करके जल में शयन किया तथा अपने संपूर्ण तेज से संपन्न होकर उन्होंने मन से ही समस्त भूतों से अग्रज भगवान शंकर को उत्पन्न किया। अब सुन लो, इसमें विष्णु पुराण में के कहा है कि भगवान विष्णु ने शंकर की उत्पत्ति की। शंकर इससे सिद्ध हो क्या कि शंकर विष्णु से विष्णु जी ने शंकर को उत्पन्न किया। मैं यही सुनाना चाहता था। ये महाभारत में भी यही है क्योंकि इसका लेखक एक ही है, ये ध्यान रखना। कोई नहीं सोचे विष्णु पुराण में और महाभारत में लेखक एक ही है और वही बता रहा है। भगवान शंकर ही समस्त भूतों के आधार हैं तथा भूत भविष्य सभी प्राणियों को धारण करते हैं। इसके बाद उनकी नाभि से एक सूर्य के समान तेजो में कमल प्रकट हुआ। उससे संपूर्ण भूतों के पितामह भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। अब ध्यान से सुन लेना, ये क्या बता रहे हैं कि विष्णु से ब्रह्मा और शंकर दोनों उत्पन्न हो गए। ये महाभारत और विष्णु पुराण आपको ये ज्ञान दे रहा है। महाभारत का दूसरा भाग 1240 से 1241 तक। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है, उनका लय कहाँ होता है। परमार्थ की प्राप्ति के लिए जिसका ध्यान और किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। काल का क्या स्वरूप है, काल का क्या स्वरूप है और भिन्न भिन्न योगों में मनुष्यों की कितनी आयु होती है। विषम जी ने कहा, युधिष्ठिर इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र सुखदेव को जो उपदेश दिया था वही प्रसंग मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन सुखदेव ने वेद व्यास जी से अपने मन का संदेह इस प्रकार पूछा, पिताजी पापियों को उत्पन्न करने वाला कौन है, काल के ज्ञान का क्या परिणाम निकलता है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी ने कहा, बेटा सृष्टि के आरंभ में अनादि अनंत अजन्मा दिव अजर अमर अविकारी अतकर्य और ज्ञानातीत ब्रह्म ही था, क्योंकि इन ने इससे का बेरा हिस्बन महंड का ही ये बताते हैं। पहले केवल ब्रह्म ही था, बिल्कुल ब्रह्म ही था। ये ब्रह्म अपने स्वरूप में निरंजन रूप में वहां रहता है, ब्रह्म लोक में ब्रह्म रूप में यानी तीन स्थितियों में रहता है। वह काल स्वरूप है। ओए होए होए, अरे ये हम प्रमाण करना चाहते हैं, बंदी छोड़ के कहना चाहते थे। अब केवल कबीर साहब की वाणी अगर आपको सुनाकर मैं फाइनल कर दूं, जो कभी आप स्वीकार नहीं कर सकते और मुझे ये कहोगे ये ना जानता एबीसीडी भक्ति के बारे में, ना शास्त्रों का ज्ञान, एवं सत्य मारता फिर है। लेकिन इन शास्त्रों को हिंदुस्तान में कोई नकारा नहीं कर सकता, इसलिए इन शास्त्रों का आधार आपके हृदय में सच्चाई को समावेश करेगा। निरी ईंट नहीं टिक सकती, उनमें सीमेंट लानी पड़े से और फिर वह हलना को जाए। ऐसे ये जो शास्त्रों के बीच में जो सीमेंट दे रहा हूं ना, ये कबीर साहब के ज्ञान को ये मजबूत बना देंगे। व्यास जी कहते हैं, बेटा सृष्टि के आरंभ में अनादि अनंत अजन्मा दिव अजर अमर अविकारी अव्यक्त ज्ञानातीत ब्रह्म ही था।
वह काल स्वरूप है, ये काल है, और काल के कला कष्टा आदि जितने भी भेद हैं ये सब उसी के अवयव हैं। महर्षियों ने 15 निमेश की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला का 3 कष्टा और एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्त का एक दिन रात माना है। 30 दिन रात का एक मास, 12 मास का वर्ष होता है। एक वर्ष में 2 आयन होते हैं, ये इनका पूरा वर्णन दे रखा है, इसमें पीरियड दे रखा है। बस भाई इससे नो बन गया, फिर एक देव वो दीव वर्ष बन जाएगा, ऐसे ऐसे। इस प्रकार इन्होंने बताया है कि सतयुग, इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है, और एक 1,000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इतने ही युगों की उनकी रात्रि होती है। भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं और रात में जब प्रलय का समय होता है उन सबको अपने में लीन करके योग निंद्रा का आश्रय लेकर के सो जाते हैं। फिर प्रलय का अंत होने पर, रात बीतने पर वे जाग उठते हैं और इस प्रकार 1,000 चतुर्युग को जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया, इतनी ही बड़ी उनकी रात्रि बतलाई गई। जिस उसको जो भी लोग ठीक समझते हैं वे ही काल के तत्व को जानने वाले हैं। रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले महतत को उत्पन्न करते हैं, इस प्रकार उसे सठूल जगत को धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है। महाभारत के दूसरे में लिखा है, ये समाप्त हुआ। श्री भागवत सुधा सागर के तृतीय स्कंद में के 8वें अध्याय के शेषाभार, ब्रह्मा की उत्पत्ति। सृष्टि के पूर्व में संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। एक समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष सैया पर पौड़े यानी सोए हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्तियों को अक्षुण करके रखते हुए और योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। सृष्टि के क्रम से अवकाश लेकर, अब ये कौन? शेष सैया पर नारायण, नार जमा में आयन। नारायण का क्या मतलब होता है? नार माने पानी, आयन माने निवास करने वाला। जो पानी में निवास करने वाला उसको नारायण कहा है। तो ये पानी में निवास करने वाले यानी निरंजन भी अपने लोक में नारायण है। आपको बता रहा हूं कि होम मिनिस्टर सेंटर में भी होते हैं और राज्य में भी होते हैं, इसमें स्टेट में भी होते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। तो यहां कहते हैं वो नारायण शेष सैया पर सोए हुए थे और सृष्टि कर्म से विश्राम लेकर यानी महाप्रलय करके निरंजन जी इस सारे लोकों को खत्म करके एक ब्रह्म लोक में छोड़कर अब उसमें अपना पानी पानी करके उसमें आराम कर शेष नाग के ऊपर और शेष सैया पर सो रहे थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्म आनंद में मगन थे, उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहे का आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ट में व्याप्त रहती है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर जागने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। अब यहां देखना, इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता स्वच्छता के साथ यह एक सेंसर चतुर्युग उपरांत जल में शयन करने के अनंतर जब उनके द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हीं जीवों को कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अब अनंत लोक देखे, जिसमें भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्वों पर पड़ी तो वह तब कालाश्रित रजोगुण से सूक्ष्म अशोभित होकर सृष्टि रचना की निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रगट हुआ
सूक्ष्म तत्व कमल कोष के रूप में सहसा ऊपर उठा। यहां देखना है, काल के द्वारा विष्णु की नाभि, विष्णु भगवान की नाभि से, आप देखो ना, भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल दिखाया जाता है, उसमें ब्रह्मा ऊपर बैठा दिखे। और ये बता रहे हैं सुधा सागर में, श्री भागवत सुधा सागर जिसको सुख सागर भी कहते हैं, उससे सुना रहा हूं। तो काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ, यानी काल ही सब कंट्रोलर है, वही सब खेल खेल रहा है। ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का मालिक है, 1000 भुजा से युक्त है, इसकी शक्ति इन ब्रह्मा विष्णु में इससे कई गुना ज्यादा है, और इन सबको यही नाथ नचा रहा है। संपूर्ण गुणों से प्रकाशित करने वाले सर्वलोक में कमल में एक विष्णु भगवान की अंतर रूप से प्रविष्ट हुए हो गए। उसने से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों के जानने वाले साथ साथ वेद मूर्ति ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग शंभु भी कहते हैं। उस कमल की कणिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कुछ लोग दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़ कर आकाश की ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे, तो जिससे उनके चारों ओर दिशा घुमाने से चार मुख बन गए। ब्रह्मा के चार मुख बन गए, कहते नू ऊपर ने देखा, नू देखा, नू देखा, नू देखा, तो कहते चार मुंह बन गए इसके, कोई बात नहीं। अच्छा आगे देखिएगा, उसमें प्रलयकालीन पवन के थपड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठी हुई कमल पर विराजमान आदि देव ब्रह्मा जी को अपना सब अपना उस लोक तत्व कमल का कुछ भी रहस्य न जान पड़ा। अब मैं आपको शिव पुराण सुनाता हूं, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि इस खुले समागम का यही एक विशेष लाभ हमारे को प्राप्त होता है कि हम जो कहना चाहें आप तक पहुंचा सकते हैं। इनका क्योंकि ये बिल्कुल नया ज्ञान है, फ्रेश ज्ञान है, और दूसरे ज्ञान से बिल्कुल भिन्न है, इसलिए इसको स्वीकार करने वाले बहुत कम आत्माएं पाएंगी, और वो पाएंगे जिनके ऊपर कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा की कृपा होगी। और आप अगर ढंग से इस बात को समझ गए, आप शास्त्र भी देखने की चेष्टा कीजिए फिर, और फिर आप अपने आप से बहन भाइयों को बैठाकर समझाया करोगे कि इस स्थिति में बात है भाई, ये जो पुराना ज्ञान है ये क्यों फैल गया। जगह जगह पर संतों ने ये पुराणों की व्याख्या की, इनके गुणगान किए, आगे सुनने वालों ने आगे किए, आगे सुनने वालों ने आगे किए, वो जैसा जो उन्होंने सुना जो का तू आगे संसार में समाज में फैल गया। अब ये जो कड़वा कड़वा ज्ञान है ये भी आपके सामने आ रहा है, ये भी इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, और आपके घर घर बच्चा भी पहुंचेगा, और फिर विवश होना पड़ेगा इस ज्ञान को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि ये सच्चाई से परिपूर्ण है। ये सभी का को ये समूच कर देता है। इन्होंने तो अपने अपने लेवल में छोड़ दिया ज्ञान को, लेकिन इन कबीर साहब ने क्या किया, ये हाथी बना दिया, और हाथी बना के दिखा दिया कि हाथी ही है, ये सब मिला करके हाथी बना है। शिव पुराण में क्या लिखा है, छठा अध्याय प्रश्न नंबर 120 122 से सहाबाद, ब्रह्मा जी बोले हे ब्रह्मन, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रसन्न किया है। महाप्रलय के समय से निरंजन के द्वारा की गई महाप्रलय के समय से, यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, संसार की दोबारा जो उत्पत्ति की गई है वहां से इनके शास्त्र शुरू होते हैं, लेकिन जो मूल उत्पत्ति हुई है वो केवल कबीर साहब का शास्त्र ही आपको बता पाएगा। और सत्पुरुष के आदेश से तो वह प्रकृति बाहर आई थी और सेना अली बाहर निकाल दी थी जो निरंजन के पेट में थी। ये ध्यान से सुनना। और ये क्या कहते हैं कि उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली
कभी नाश ना होने वाली शक्ति प्रकट की। अब बात वही आएगी, लेकिन इन्होंने कंप्लीट ज्ञान नहीं है, अधूरा ज्ञान है। और सच्चा इस जो की तो कबीर साहब की वाणी बिल्कुल सत्य है कि वो प्रधान वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया, वही विकास से रहित बुद्धि तत्वों की जननी माता कहलाई, वह शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी त्रिदेव की माता। ये सुन लो ध्यान से, ये मैं आपको शिव पुराण सुना रहा हूँ। शिव पुराण के कह रहा है कि यही माता सेना वाली, इसको प्रकृति देवी जगदम्बिका और प्रधान प्रकृति माया अष्टंगी अंबिका और ये तीनों देवताओं की माता है। ये क्या शिव पुराण किसी ने पढ़ा नहीं होगा, खूब पढ़ा, लेकिन जो कबीर साहब का ज्ञान ना होने से अकड़ी जुड़ी कोई ना उन पर, इसलिए यह बात नो की नो छोड़ दी और अपना ऊ ढूंढे ठाए गए। भगवान शिव की कथाएं सुना दी, उनकी लीलाएं सुना दी, पर नो ना बताया कि इनकी माँ कोई और से या तीनों देवताओं की माता या किसके पास थी। इस सदाशिव यानी काल निरंजन, ये सदाशिव है। शिव माने शक्ति, सदा जो शक्ति है, शक्ति माने राम, राम जो है ये सदा राम कहो यानी इनका अनाद सनातन भगवान कहो, ये सदा शिव कहो, ये काल निरंजन तीन रूपों में ब्रह्म लोक में रहता है। तीन देवों की माता नित्य और मूल कारण कही गई है, जिसकी आठ भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली सुप्रभा है। सदा शिव ने उस शक्ति को साथ लेकर अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके इस शेरा वाले को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, ये स्वर्गलोक में काशी है, उसका यहां एक डुप्लीकेट काशी आनंद रखा है। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वप्रिय है। उस क्षेत्र में परमानंद शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। ये काल निरंजन महाशिव और महापार्वती के रूप में उस निरंजन लोक अपने ब्रह्म लोक में रहता है। उसने उसी लोक में एक न्यारस्थ जैसे स्थिति बना रखी है, एक नारा महाविष्णु लोक बना रखा है, एक महाब्रह्मा लोक बना रखा है, एक नारा महाशिव लोक बना रखा है। शिव पार्वती सहित निवास करते हैं। हे मुनि, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता। प्रलय काल में ब्रह्मा विष्णु महेश मर जाते हैं और ये ध्रुव प्रहलाद जैसे चौथी मुक्ति प्राप्त भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्म लोक समाप्त नहीं होता। इसी से उसको अभिमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया। उस आनंद वन में शिवा शिव के रमण करते रहने पर शिव, शिवा और शिव, शिवा माने पार्वती, शिव माने ये काल निरंजन, इन दोनों का विलास करने से, वहां पर शयन करने से नारद जी, उन्होंने किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई, यानी फिर बच्चे पैदा करने की उत्पत्ति उनकी उमंग हुई, इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल मौज मारा करेंगे। इस प्रकार निश्चय करके इसके दक्षिण के दसवें अंश में सुधारूप आवास का व्यापार किया, जिससे त्रिलोक में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांत और सतोगुण से युक्त एवं गंभीरता से के सागर में के समान है। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा कि हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी मुझे कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा। यहां के बता दिया कि उस विष्णु शिव जी ते विष्णु उत्पन्न हुआ, पर न्यो ना बेरा कौन से शिव जी ते, ये वो महाशिव, ये निरंजन से और कैसे उस पत्नी के साथ, ये शिव पुराण बता रहा है। उस शेरा वाली को महाशिव महाशक्ति के रूप में, शिवा के रूप में रख के अपना जो है ना ये बच्चा उत्पन्न किया। इसने ऐसे ही कर रखा ब्रह्मलोक में, वहां पर तीन रूप में तीन बच्चे पैदा किए। ब्रह्मा रूप में ब्रह्मा का, क्योंकि फिर जो रजोगुण में
रूप धारण करके उसने बच्चे उत्पन्न किया तो उस बच्चे में वही गुण आ जाते हैं, रजोगुणी हो जाता है। जब ये विष्णु रूप में रह करके उसी पत्नी को अपने दूसरे रूप में रख कर और जब संतान उत्पत्ति करता है तो उस बच्चे में सतोगुण आते हैं। अब शराबी के बच्चे का आप देख लेना, उसमें अपने आप गुण आ जाएंगे शराब पीने के, जो शराब पीता है जिसका बाप, और फिर उसकी जो संतान होगी उस बच्चे में आप पर जन्म हो जाएंगे वो शराब के पीने के। और यह बिजली क्यों पड़ गई, अब इतना समाज क्यों बिगड़ गया, क्योंकि वो जन्म दूर बच्चों में इतने प्रभावी हो जाते हैं कि फिर वो डटे नहीं डटते, वो अपने आप स्वीकार करना शुरू करते। ऐसे ही ये माँ बाप से मिला हुआ शरीर हमारे को बहुत प्रभावी रखता है, जैसे भी माँ बाप से मिला। अगर कोई चोर है जिसका बाप, तो उस बच्चे में वो चोरी के गुण आप पा जाएंगे। एक लड़का था छोटा सा, उसका बाप एक नंबर चोर, उसकी दादी नाम ले रही, उसकी माँ नाम ले रही छोटे छोरे की, और वो लड़का भी चोरी करे। अरे मां बेटी के बाप, तुम 8 साल का 10 साल का बच्चा है तो चोरी क्यों करता है, नाम भी ले रखा तूने। नो बोला जी मेरा डिटिया ना जानता, तो कर लो चोरी, मेरे बस की बात कोई ना, मैंने तो ऐसा जी करा कि इससे कोई चीज मिल जाए उसने लको कर भाग लो। अब वो काफी दिन हमारे साथ रहने से अब उसने व्यक्ति चेंज कर दी, बदल गया वो लड़का, अब नहीं करता वो काम। तो उसने अपने माँ बाप पिताजी के गुना पाएंगे उसमें। तो ऐसे ही ये क्या करता है, तीन रूपों में अपने तीन पुत्र उत्पन्न करता है काल भगवान, और उनको ब्रह्मा विष्णु शिव बना देता है। जब तक वो जवान होते उनको मूर्छित रखता है, उनको नहीं मालूम तुम कहां थे कौन थे, जो बोड़ी बूझ बनाकर दर्द की तो उठा गए, और इनको हम भगवान मान रहे हैं, ये सुनना जानते। आगे शिव महापुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी बोले श्री नारायण के सहन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में से एक कप, ये तो विष्णु तो हो गया शिव जी तो उत्पन्न, अरे ब्रह्मा उत्पन्न होगा शिव जी से, ये और बताते हैं। ब्रह्मा जी बोले श्री नारायण के सहन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि से एक कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका विशाल और अंत योजन का विस्तार है। अंत योजन की ऊंचाई थी, उसके साथ साथ ही उसके साथ अर्थात पार्वती सहित शिव ने मुझे उत्पन्न किया। ब्रह्मा बतावा है कि पार्वती और शिव के संपर्क से यानी ब्रह्मा का जन्म हुआ, कौन से शिव थे, इस काल निरंजन थे, मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्याक्ष गर्भ से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख लाल मस्तक त्रिकोण धारण किए हुए, मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी ना देखा। शिव महापुराण आगे लिखा है, हाँ ये समाप्त हुआ, ये और प्रकरण आ गया। अब मैं आपको की सुना चाहता हूँ, अब ये देवी भागवत महापुराण यह सारी पोल पाट देगी, ये कबीर साहब की कहानी को, कबीर साहब की यथार्थ मार्ग को सत करने के लिए इस चूने और सीमेंट का सामने सहयोग लेना पड़ रहा है, और इन शास्त्रों के सामने कोई नहीं बोल सकता, और फिर भी बोलता है तो वो फिर उसकी अपनी नासमझी है, अज्ञानता, महाअज्ञानता है। देवी भागवत के बारे में, देवी भागवत महापुराण ये मेरे पास रखी है, श्री देवी भागवत महापुराण, और ये है रणधीर प्रकाशन हरिद्वार से द्वारा प्रकाशित है, अनुवाद पंडित ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी, इन्होंने इसका अनुवाद किया हिंदी में, क्योंकि ये संस्कृत में उपलब्ध थी पहले, अब हिंदी में जो क्या तो टीका हो गया इनका, और हिंदी में टीका हो गया तो हमारे जैसे असूत बैठ गया इनकी बात सुन देगा ना, पहले संस्कृत बोलते थे और संस्कृत हमारे समझ में क्यों आती नहीं थी, क्योंकि गांव के लोग अनपढ़ होते थे, शहरों के लोग भी अनपढ़ होते थे, विद्वान लोग केवल काशी विद्यापीठ में पढ़कर अपनी प्रभुता दिखाकर संस्कृत में बोला करते, और सुनने वाले बेचारे नादान, क्योंकि भगवान की कथा सुनने के इच्छुक होते थे, वह उनकी अब बैठे बैठे गर्दन लाया करते, उन्हें न्यों नहीं मालूम ये संस्कृत में के कहां से। एक समय की बात है, वो सत्संग हो रहा था, उसमें हम वैसे चले जाते थे, नाम नाम लिया लिया था, तो उसमें बड़े काफी विद्वान आए हुए थे, और पूरी स्टेज लग रही, जब वो खड़े हो ना उनके महामंडलेश्वर फलाना मंडलेश्वर, ये काशी विद्यापीठ से 4 विषयों के आचार्य फलाना राम, इतने बड़े बड़े बोला, फिर वो संस्कृत में डूंडा खा दे, संस्कृत संस्कृत बोलने का घड़ी काफी देर तक,
और फिर कुछ हिंदी में भी थोड़ी बहुत बताते थे। एक भगत जी मेरे देखते देखते आकर बैठा, वो बैठ के 10 मिनट बैठा होगा, मैं बाहर घूमने चलेगा बाथरूम करने खातिर, तो वो नौकन दादा वह कमाल का महात्मा है कि चाला पड़ रहा है, बहुत कसूता बोल रहा है। मैं बोला वो तेरा समझवाइयो के है, बोला नो मेरा नहीं केक है पर बोलना कसूता। बोला बूझ तेरे को नो नहीं मेरा यू कह के रहा, सिर्फ उसकी धारावाहिक उसकी उस भाषण से प्रभावित हो गया, नो नहीं मेरा यू बोल के रहा था। अरे तेरा कह जगह गई होगी, सुबह कसूता महात्मा आ रहा है, ना कसूती बहुत बढ़िया बात बता, और बात उसने नो नहीं मेरा वो कह क्या रहा है। तो ये नोज गया हमारा सारा समाज। अब कबीर साहब ने बिल्कुल आम जन साधारण के लिए बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज ऐसी भाषा बनाकर दे दी कि छोटा बच्चा भी जो ABC जानता हो ना, ये हिंदी की भी थोड़ी बहुत कोई इकाई जानता हो वो पढ़ सकता है और समझ सकता है। अब सुनिएगा, जन्मजे कौन थे? ये युधिष्ठिर के पोते थे, अभिमन्यु के बेटे थे। जन्मदेव ने पूछा ना, ये उसके जो युधिष्ठिर के पुत्र थे उसका नाम था राजा परीक्षित, परीक्षित के पुत्र थे और परीक्षित अभिमन्यु का लड़का था। तो जन्मदेव ने पूछा, भगवान आपने अम्बा यज्ञ द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन है, कैसे और कब प्रकट हुई? ब्रह्मन साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है ये सभी बातें आप जानते हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र ये 3 सगुण देवता हैं। व्यास जी कहते हैं, राजन तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है, अभी तुमने जो प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मादि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मा आदि का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, जैसे सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार ये 4 भाई हैं, इनकी आयु 5 वर्ष, इनका जो शरीर की मैन्युफैक्चर 5 वर्ष के बालक जैसी बनी रहती है अपने पिता ब्रह्मा के आशीर्वाद से, इनको सनकादि कहते हैं। सनकादि का मतलब है 4 की तरफ इशारा, एक ही। ये ब्रह्मा आदि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की उत्पत्ति कैसे हुई, सो ये महान कठिन विषय है। एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्व ज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे, वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि का मुझे दर्शन हुआ। कुशल प्रसन्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा, मैंने कहा मुने आप बुद्धिमान हैं, ये व्यास जी कह रहा है और व्यास से ये जन्मेजय पूछ रहा है। जन्मेजय को व्यास जी कह रहा है कि यही प्रश्न मैंने नारद जी से किया था। तो अब वो कह रहे हैं कि मैंने नारद जी से कहा कि मुने आप बुद्धिमान हैं, मुझे ये बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है, कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोत् पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया मां शक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर जो मैं सिद्ध करना चाहता हूं, कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे कबीर साहब की वाणी को सत्य को सिद्ध सिद्ध करने के लिए, सत्य को सत्य सिद्ध ये इन शास्त्रों से होगी, क्योंकि इनको ये सबको स्वीकार्य है, इनको कोई नकारा नहीं कर सकता। और कबीर साहब का फिर सब प्रसिद्ध हो जाएंगी, फिर उन्होंने जो कहा सारी सिद्ध आपने बिल्कुल सत्य लगेंगी, असत्य नहीं पाओगी, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर हैं ये कबीर भगवान हमारे। कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोज पूर्ण करने वाली बतलाते हैं, वे आदि माया मां शक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर, आदि माया परम पुरुष, यहाँ का परम पुरुष, पुरुष माने परमात्मा, यहाँ का परम परमात्मा कौन है, निरंजन है, परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ये प्रकृति शब्द याद रखना आप, प्रकृति ये आपको गीता जी में बताऊंगा ना, प्रकृति शब्द काम आओगे आपके, करने वाली प्रकृति है,
ब्रह्म से उनका अभेद संबंध है। ब्रह्म कौन है? काल निरंजन है, ज्योति निरंजन है, ये 1000 भुजा का भगवान है, ये ब्रह्म कहलाता है। और ये शेरा वाली है, जगदम्बिका है, ये प्रकृति है, आदि माया, इसका ब्रह्म के साथ अभेद संबंध है, यानी पति पत्नी की तरह इनका संबंध है। ये अखिल विश्व की भी अधीश्वरी है, सर्वगुण निर्गुण, सर्वगुण निर्गुण एवं कल्याण में उनका विग्रह है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी प्राचीन समय की बात है, ये संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था। जनमेजय ने पूछा व्यास से, व्यास जी ने पूछा नारद जी से, नारद जी कहता कि यही संशय मेरा हो गया था, मैंने अपने पिता ब्रह्मा से पूछा। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी प्राचीन समय की बात है, यही संदेह मेरे हृदय में उत्पन्न हो गया था, तब मैं अपने पिता अनिल तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम समझे हुए मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मेरे प्रश्न का परम लोक पिता में ब्रह्मा जी मुझे कहने लगे, बेटा मैं इन प्रश्न का के उत्तर दूं, यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है, महाभाग तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो, फिर भी मैं बताता हूँ। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, ब्रह्मा बता रहा है, और ब्रह्मा ने नारद को जो बताया, व्यास जी कहते हैं उसने नारद जी ने मुझे बताया, और इस व्यास जी कहता कि मैं तुम्हें बताता हूं जन्मेजय, तो क्या बताया कि नारद जी ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था, जब महाप्रलय हो जाती है ना, एक ब्रह्म लोक बच जाता है, बाकी यहां सारा पानी पानी हो जाता है, जल ही जल था, सथा और जंगम जितने प्राणी हैं उनमें कुछ कोई भी नहीं थे, तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा बता रहा है एक कमल के फूल से मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल की कणिका पर बैठकर विचार करने लगा, पर इन्हें नो ना दे रहा हुई कैसे, ये आपने पहले सुन दिया कि शिव पुराण में उस वो केक रहे निरंजन, ब्रह्मा अपना एक बेटा पैदा करेगा, उसका नाम ब्रह्मा कर देगा, उसमें मूर्छित रखेगा, और जब वो जवान हो जाता है उसने ठाकर उस कमल के फूल पर रख देता है। अब ये ब्रह्मा नौका है, मैंने नो नहीं जरा कमल के फूल पर किता आ गया, मैं ये सारा खेल युक्त काल निरंजन ही कर रहा है, बैठ कर विचार करने लगा, मेरी मैं कमल पर से मेरी उत्पत्ति हुई, मैं कमल की कणिका पर बैठकर, यानी कमल के फूल पर बैठकर विचार करने लगा, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया, यह तक कति बोरी भूस बना रखे है इस काल में, इन न्योना ग्राम किसका आगे कौन है, लोगों मुझे मालूम ही नहीं, इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया। यो विचार करके मैं जल में उतरकर 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा, यानी नो ढूंढेगा कि जब को सफल भी पा जा, पर 1000 वर्ष तक कुछ नहीं पाया, मुझे जल का कोई और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो, तब मैंने तपस्या आरंभ की, उस कमल के फूल पर बैठकर बैटरी चार्ज करते हैं ये तप करके, इसे सिद्धियां आ जाती है तप करने से, ये साधक साधना करते हैं, आपने साधक दिखेंगे और जाप कर रहे हैं काल निरंजन का, तो इनको सिद्धियां दे देता है, उन सिद्धियों को फिर स्वयं प्रयोग उनके माध्यम से ये काल अपने कंट्रोल से उनको तोप बनाकर वो मशीन बनाकर प्रयोग करता है। अब कहता तप करो तप करो, तो कहने लगा मैं डरता तप लग गया कर, कई 1000 वर्ष तक तप करता रहा, फिर कहा सृष्टि करो सृष्टि करो, अब सृष्टि क्या की करूं, आंख खुल गई भाई, तो जल पानी 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 दिखा है, 1000 वर्ष तक तप करता रहा, फिर उसी समय सृष्टि करो ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी, सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है, ईबे लोक है ब्रह्मा के मैं डरता उस पानी में तो जाऊं कोई ना, क्यों 1000 वर्ष तक ढूंढाया कि तक कुछ पाया कोई ना, उस तो मैं डरता उस कमल का नहीं तो उतरू कोई ना। इतने उस काल में एक रात दो राक्षस भेज दिए,
मधु और कैटक नाम के, जो बोला वो राक्षस जो मेरे कान आने लगे, मैं डरता उस कमल के फूल पर से नीचे पड़ गया। जब नीचे आके गिरा तो वहां देखो हो एक और सोन लाग रहा है एक भगवान, वो कौन था? शेष सयाता विष्णु, शेष सयाता यो डुप्लीकेट विष्णु, जो उस निरंजन का पुत्र जो शेरा वाली से पैदा हुआ था, आपने विष्णु पुराण में सुना, सदाशिव पुराण में, वो शेष सयाता मूर्छित गिर रखा। जब मैं वहां गया मैंने एक व्यक्ति और दिखा, भाई यू कौन सो रहा है? इतने में उसमें से एक शक्ति निकल गई जिससे बेहोश कर रखा था, वह आकाश में छा गई और विष्णु सामने एकदम बैठा हो गया, जागृत हो गया। इतने में वो मैं दूर कहकर भी आ गई, मेरे पीछे पीछे पड़े हुए दोनों राक्षस, तो विष्णु जी के साथ उनका 5000 वर्ष तक युद्ध होता रहा, फिर भी वो विष्णु से मधु कैटक राक्षस मरे नहीं। फिर वो जो ऊपर शक्ति थी वह सेना वाली सुंदर लड़की के रूप में वह नीचे आई और उसने उस मधु कैटक की तरफ गंदी हरकतें शुरू की जिससे वो उस लड़ाई तो भूल गए, उस माई का ना आकर्षित हो गए, पीछे से विष्णु ने उनकी गर्दन पकड़ कर और फिर मारा, यानी सामने से भगवान विष्णु उनके सामने फेल हो गया था, उनको मर नहीं रहे। ये देवी भागवत पढ़ रहा हूँ तो देखो मैं सोचो सत्य मारता महाराज जी अपने घर की गड़के, ये नो की नो सुना रहा हूँ, तो इसमें लिख रखा है उसी समय मधु कैटक नाम के दो भयंकर दानव सामने आ गए, मैं उनसे भयभीत हो उठा, तब कमल का डंठन पकड़ कर मैं जल में उतरा। जब मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले जो शेष नाग की सैया पर सोए थे, शंख चक्र गदा पद्म उन चार अवधों से अनुपम शोभा पा रहे थे, ऐसी शेषाशाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। नारद जी शेष नाग की सैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा, इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई, मैंने उनका स्मरण किया। कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर और अचिंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान होगी। तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे, क्योंकि वो मूर्छित पड़े थे और वो फिर उठ बैठे। इतने में मधुर कैटक भी उन्होंने मधुर कैटक के साथ 5000 वर्ष तक कड़ी बड़ी घमासान लड़ाई करी, तब वे जट मरे। कैसे मरे? पहले देवी के कटाक्ष से मधु और कैटक मोहित हो गए, इसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लटाकर उनका गेटी में गुठा दे दिया, यानी उनको प्राण रहित किया गर्दन दबोच के। और पहले नाम रे वह चारा तो भी नाम रहे थे भगवान का। अब ये नहीं समझना, क्योंकि इस सच्चाई को सच्चाई पकाना चाहिए, भगवान विष्णु उन दो राक्षसों के सामने फेल हो गए थे, 5000 वर्ष थोड़े नहीं होते, अर्थात वो उन दोनों उससे शक्तिशाली थे जो उनसे नहीं मरे थे, वो भी उस माई ने अपनी कला करके उनको मरवाया जब वो शांत थे। फिर बात होते हैं इसके बाद भगवान विष्णु, अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे। ब्रह्मा बतावस है, व्यास जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने नारद को नो बताई थी, जैसे नो की नुमा आपको बता रहा हूं। इन ब्रह्मा कहता मैं और विष्णु दोनों वहां पर दो हो गए, वहीं पर रुद्र भी प्रकट हो गए, वो जो भगवान डुप्लीकेट शंकर जी भी वहां दर्जिया ला का काल निरंजन इतना देखना है तो एक और शंकर भगवान आने लग रहे। हम तीनों को भगवती अज्ञा शक्ति के दर्शन हुए, तब ये आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी, देवी ने कहा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ, सृष्टि स्थिति संहार ये तुम्हारे कार्य है। ब्रह्मा सृष्टि रचय यानी ये शरीर बनावे, ये सब लक्ष्य हो रहा है शिव जी के, और विष्णु पाड़ शिव जी संहार कर, ये सारे काम से। ब्रह्मा जी कहते हैं हम लोगों ने उनसे कहा माता हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य में सफल हों, विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जल मगन है। हमारी बात सुनकर कल्याणमयी स्वरूपणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा,
तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी कि देवताओं निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। तो कहते हम तीनों के तीनों उसमें बैठ गए। वो विमान बिना गिनती की स्पीड को चला। आगे हमने क्या देखा, तेजी से चल पड़ा और देवधाम ब्रह्म लोक में जा पहुंचा। वो ब्रह्म लोक में ले गई उन्हें, जहां पहले से ऑलरेडी यानी सृष्टि विद्यमान थी ब्रह्म लोक की, जो निरंजन ने वहां पर खूब साजबाज बसा रखा था। और यहाँ महाप्रलय के बाद कुछ नहीं था। जहां एक दूसरा ब्रह्मा विराजमान थे, उन्होंने देखकर भगवान शंकर से, उन्होंने देखकर भगवान शंकर और विष्णु ने पूछा, मुझसे पूछा, चतुर आनंद, चतुर आनंद का मतलब है चार मुंह वाले, आनंद माने मुंह मुख। चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया मुझे कुछ पता नहीं, सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? अब सुनोने की बात, और यही हम बताना चाहते थे सच्चाई को कि तीनों के तीनों ये नीचे के ब्रह्मा विष्णु महेश ये ब्रह्म लोक में पहुंच गए। वहां पर एक ब्रह्मा लोक है, एक विष्णु लोक है, महाविष्णु लोक और महाशिव लोक है। जब हम नौके ये विमान महाब्रह्मा लोक में पहुंचा, वहां एक ब्रह्मा जी और बैठे, तो नौका है ब्रह्मा के, शिव जी और विष्णु मेरे पूछने लगे कि ये ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्मा ने बोला मुझे कुछ नहीं मालूम ये कौन है। अब ये बात ये शास्त्रों में लिखी हुई है, इनको सुनना। इतने में मन के समान तीव्र गति से विमान तुरंत वहां से चल पड़ा, कैलाश के स्वर में शिखर पर जाकर पहुंचा। वहां विमान के पहुंचते ही एक दिव्य भवन में त्रिनेत्र धारी भगवान शंकर निकले। एक शंकर एक ब्रह्मा विष्णु के विमान में बैठे और एक के काग बैठे दोनों लोक में। ये समझाना चाहता हूं मैं आपको कि इस काल में इतना गजब जाल फैला रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम हम कौन है और कहां से आए थे और कल हमारे साथ के बनेगी, तो आम जीव यहाँ पर कैसे सुरक्षित हो सकता है? तो कहता है 10,000 वर्ष तपस्या करके गया महात्मा, ये चल कई लाख वर्ष कर जाओ और काल के जाल से नहीं निकल सकते। ये तो कबीर साहब के मार्ग पर आप लग करो, इस काल के जाल से बाहर हो सकते। ये नंदी वर्षभ पर बैठे थे, चन्नेतर धारी शंकर निकले। ये नंदी वर्षभ पर यानी बहल पर बैठे थे नारद, उसने भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। अक्षर भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से चल पड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया। वहां एक विष्णु लोक है, उसी ब्रह्मा लोक है। वहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करने के लिए करने में मैं असंभव हूं। उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य से उसके समुद्र में गोता खाने लगा। वो विष्णु जो मेरी जेल में बैठा था और उस विष्णु के साथ में देखकर वो भी बगमग हो गया। यूँ सोचा के भी यहाँ भी विष्णु एक और है। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसी मनोहर जीव मंदरा प्राजी का भी बहुत से स्वभावमान व्रत थे। वहां एक कमल लोचन श्री हरि यानी विष्णु विराजमान थे। इतने में वही विमान पवन से बातें करता हुआ आगे को चल पड़ा। उसी द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था, बाकी बाकी के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। उसने पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। अब गए आगे माता के लोक में। माई जो वहां पर इंडिविजुअल रहती है, अकेली रहती है, और तीन रूपों में वहां भी रहती है और सूक्ष्म रूप में यहाँ भी हर अपने कार्य को उनके लेवल के है, उन भक्तों के सारथी है जो उनके सच्ची लगन से लगे हुए और सही उनकी देवकृति पर। तो वहां पर एक सुंदर लड़की बैठी हुई थी, उसने गले में लाल रंग की माला पहनी हुई थी, लाल वस्त्रों में श्री विग्रह यानी उसका श्री बहुत सुंदर सुशोभित हो रहा था, मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हो, इतना उनका तेजों में शरीर था। ऐसी सुंदर स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। साथ में अनेकों साधक बैठे